वेलकम टू माई YouTube चैनल PK स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन से राज्य में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल www.movidyut.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है और राज्य सरकार की पहल 5T यानी कि टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जनता को समर्पित की गई है। इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके बारे में बात करें तो इस पोर्टल से राज्य के लगभग 89 लाख बिजली उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। मो विद्युत नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता करेगा और ऑनलाइन बिल भुगतान में सक्षम बनाएगा। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का तो उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन अस्टन हब्बाक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट 30, लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो कि चिलिका जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने आयुष्मान सहकार योजना की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई है। यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। बात करें इसके बारे में तो आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार की गई है। NHDC आने वाले वर्षों में सावधि ऋणों को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाएगी। NHDC की योजना केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में 5 सी प्लेन सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में अहमदाबाद में साबरमती को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। इससे अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है। अन्य स्थानों में मेहसाणा जिले में दरोई बांध, भावनगर जिले के पलिताना में अंबाजी और शत्रुंजय बांध को जोड़ने के लिए, साथ ही अगले चरण में तापी भी शामिल है। चलिए आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। बात करें गुजरात का तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर, फर्स्ट CM जीवराज नारायण मेहता जी, फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33, गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ये चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में लैब तकनीक विकसित की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक नई कोविड 19 डायग्नोस्टिक टेस्ट
तकनीक विकसित की है जिसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान और सस्ती भी है, जो एक घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस कोविरैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा COVID-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है और इसे एक अधिकृत ICMR प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूने के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी प्रदान की गई है। यह टेस्टिंग तकनीक प्रमुख RT-PCR टेस्टों के साथ तुलनीय है और जो आम लोगों को सिर्फ ₹500 की लागत में परीक्षण में सक्षम बनाएगी। कोविरैप की बात करें तो यह एक क्यूबाइड आकार का पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है जो एक घंटे में परिणाम दे सकता है, जिससे यह दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस स्क्रीनिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाता है। इस डिवाइस को ₹10,000 से कम की लागत और न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकता से विकसित किया जा सकता है, जो इस तकनीक को आम लोगों के लिए सस्ती बनाता है। इस नई मशीन में परीक्षण प्रक्रिया एक घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहे पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लोग दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी, फर्स्ट CM चौधरी परम प्रकाश, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा, फर्स्ट लेडी CM सुषमा स्वराज, लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। दिल्ली का हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USA। अमेरिकी टेक्नोलॉजीज फॉर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा किया गया कि रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू होमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम एक और रिलायंस की सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सके। चलिए अब आपको USA के बारे में बताते हैं। USA का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, कैपिटल Washington DC, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर, नेशनल है 4 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन है डेनाली, बिगेस्ट लेक सुपीरियर, नेशनल गेम है बेसबॉल, बर्ड है बाल डीगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, NASA। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा। चंद्रमा पर स्थापित किए जाने वाले नेटवर्क खुद को कॉन्फिगर करेगा और चंद्रमा पर 4G LTE संचार प्रणाली स्थापित करेगा। नोकिया ने कहा कि हालांकि इसका उद्देश्य अंततः 5G पर स्विच करना होगा। साथ ही टेक्सास स्थित निजी अंतरिक्षयान डिजाइन कंपनी इंटुएटिव मशीन्स के साथ अपने चंद्र लैंडर पर चंद्रमा तक उपकरण पहुंचाने के लिए साझेदारी करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन। शिखर धवन IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। इन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 98 गेंदों पर पूरा किया और इस दौरान 12 चौके व 3 छक्के लगाए। शिखर धवन ने IPL में साथ ही अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए। धवन IPL में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
ये हैं शिखर धवन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पीएम 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 यानी कि पीएम 2020 का नया संस्करण जारी किया है। पिछले प्रोक्योरमेंट मैनुअल को वर्ष 2016 में बदल दिया गया था। इस मैनुअल का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास में स्टार्टअप तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। चलिए बाप ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। डीआरडीओ का मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है कि क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने किस देश से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडिया। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त प्रमुख मिशेल बाचेलेट ने हाल ही में भारत सरकार से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की समीक्षा करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के इस मंच के प्रमुख ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के साथ अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी खेद व्यक्त किया कि मानवाधिकार रिपोर्टिंग के लिए गैर सरकारी संगठनों को दंडित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों की फ्रीज किए जाने के बाद इसने भारत में अपना कार्यालय बंद कर दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पुलिस स्मृति दिवस हाल ही में किस दिन आता है? इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों की सराहना की है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1969 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात केरी पुबल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 केरुपुबल के रण भाकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिव्यू कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे और इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे, 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे और इंटरनेशनल सेफ डे। बात करें 21 अक्टूबर की तो पुलिस मेमोरियल डे और वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे मनाया जाता है। आप लोग इसे रिविजन जरूर कर लें। चलिए चलते हैं आज के कल की प्रीवियस रिवीजन ऑनलाइन करंट अफेयर्स की तरफ। इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। किरण रिजिजू Y20 ग्लोबल समिट में शिरकत हाल ही में की है। बात करें जरीन लोशन गांजरो की, एक दिग्गज टीवी एक्ट्रेस थी, इनका निधन हो गया। भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर रहा। बात करें इंडिया की ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को फिर से हटा लिया है। बात करें इंडिया ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक
यानी कि SAMT मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। बात करें भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया था। हाल ही में बांग्लादेश देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष यानी कि 26 मार्च 2021 को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर टू है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, MS धोनी। क्वेश्चन नंबर टू था, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि सिंगापुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart Street सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।